नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं कौशलेंद्र। अभी हम बात करेंगे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की। ललन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सुनिए एक्सक्लूसिव वीडियो। प्रधानमंत्री ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, विशेष सत्र बुला के, होता नहीं है इवेंट, कोई मैनेज किया जाता है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का इवेंट होता है, उसी तरह का इवेंट उन्होंने अरेंज किया महिला आरक्षण। महिला आरक्षण उनको देने की उनकी इच्छा है ही नहीं, और भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती है। महिला सशक्तिकरण में उनका कोई विश्वास है ही नहीं, क्योंकि अगर महिला सशक्तिकरण में उनका विश्वास होता तो 5 साल पहला टर्म 14 से 19 और 19 से 23 तो 9.5 साल में कहने लाए बिल। अभी 6 महीना जब 4 महीना चुनाव का बचा तब उनको आ गया कि महिला सशक्तिकरण करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात में दिया था क्या उन्होंने महिलाओं को आरक्षण? इसलिए ये सब है ही नहीं। और जो महिला आरक्षण का बिल उन्होंने लाया है उसमें क्या है? जनगणना होगी, जनगणना होने के बाद परिसीमन आयोग बनेगा, परिसीमन आयोग तय करेगा तब महिला आरक्षण लागू होगा। जनगणना भी कब शुरू होगा भारत सरकार ने कुछ नहीं कहा। गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव के बाद हो, तो लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना होगा शुरू, तब तक परिसीमन आयोग बनेगा, तब तक 2029 आ जाएगा। तो महिला आरक्षण के नाम पर जुमलेबाजी जो है ये 23 से 2029 तक ना हो, चलाना चाहते हैं 6 साल। इसलिए हमने कहा ये इस जो 2024 का सबसे बड़ा जुमला है, उनकी कोई इच्छा नहीं। जहां तक आरक्षण में आरक्षण का सवाल है तो आरक्षण में आरक्षण पूरे देश की मांग है, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना कराइए। जब जाति आधारित जनगणना आप कराएंगे तब पता चलेगा कि किस समाज की क्या आबादी है, और तब उसके हिसाब से वही आरक्षण दी। उस वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? अल्पसंख्यक समुदाय के भी महिलाओं को मिलना चाहिए, हालांकि जो दलित में या अति पिछड़े में भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय को भी अति पिछड़ा क्योंकि संख्या में शामिल करिए, जो उससे जो दलित का काम करते हैं उनको आप दलित वर्ग में शामिल कीजिए। मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय में लोग दलित का काम नहीं करते हैं, दलित वर्ग का जो है वो जो माथे पर ले जाता है, जिसको आप स्वीपर कहते हैं, मेहतर कहते हैं या जो भी है, तो वो किस समाज जाता है, तो उसको नहीं मिलना चाहिए उसका लाभ, उसको भी मिलना चाहिए उसका लाभ। तो इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं। हाँ, हमने देखा है सुशील मोदी का एक बयान, तो सुशील मोदी तो बीमारी से ग्रसित हैं। अरे सुशील मोदी को हम लोग जान ही रहे हैं कि सुशील मोदी और भारत क्या बोल रहे हैं। सुशील मोदी जो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है उसको बोल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड पिछड़ा विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ, अति पिछड़ा पिछड़ा के आरक्षण के खिलाफ है। तो अति पिछड़ा और पिछड़ा के आरक्षण के खिलाफ अगर हैं सुशील मोदी जी तो उसी के अनुसार न तर्क देंगे, वो तो उसके अनुरूप तर्क दे रहे हैं। और ये जब जाति आधारित बिहार में गणना हो रही थी उसका जब सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चला तो भारत सरकार का स्टैंड तो वहां साफ हो गया कि आप विरोधी हैं, तो आप हैं विरोधी। और इस देश की जनता भी ये जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के आरक्षण का विरोधी है, अति पिछड़ों के आरक्षण का विरोधी है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित छपास नेतागण उसके पक्ष में तर्क देते हैं।